हाँ जी, टुडेज डे इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑल अबाउट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ। सो इन्होंने ट्रेड लिया था कल, ही इज तनुज एज यू ऑलरेडी नो, and he shorted this particular thing all the way from 332 48,900 ka PE. Abhi it made a low of almost 110, abhi wapas 130-140 aa gaya hai, but bhai ye volatility to hoti rahegi, just have a look at that volatility. but haan ji, trade abhi bhi hold karke baithe hain, aaj expiry hai to dekhte hain kya hota hai kya nahi hota hai. अब फिर से वही है कि जब तक ये वाला ट्रेड क्लोज नहीं होता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी अदर अपॉर्चुनिटीज, और अगर ये ट्रेड क्लोज हो जाता है तो फिर एंटर करेंगे। लुक हु वी हैव इन द ऑफिस गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम आल्सो गुड। व्हाट टाइम इज इट? इट्स 10:21, बट इट्स नॉट कि मैं 10:21 पे आई हूं, बट नहीं, आ तो कब से गए हैं। हां जी, यस, एंड वी आर हैविंग सम, क्या बोलते हैं इसको, खमण। खमण, यस, खमण। तो वो घरों से खमण आया हमारे। तो कोई ट्रेड बना ऑप्शन बाइंग में? यस, ट्रेड बना, एंड दो दिन से अपन सीटीसी खा रहे थे, हमें 300-200 पॉइंट मिल रहे थे फेवर में, एंड आज जस्ट इन 1 सेकंड इट्स एन एसएल। सो हां, बस अब 1-5 सेकंड में, क्या बोलते हैं, 1 मिनट में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया ऐसा लग गया। सो पूरे दिन हम कुछ नहीं करने वाले। दैट इज हाउ थिंग्स आर राइट नाउ। ऑलराइट, alright guys, it is almost 10:41, 15 मिनट में हम आपसे फिर से मिल रहे हैं। I just wanted to let you know that trading कितना boring होता है actually में तो, ठीक है? अब वो trade चल रहा है तो I cannot be taking any other opportunities, कुछ और ले नहीं सकता मैं, I just have to sit out like anything, alright, so that is what I have been doing since morning, हम बाहर ही बैठे हुए हैं, मेरी कुछ दूसरी strategies को मैं practice कर रहा हूँ, काम तो चलते रहना चाहिए, right, and असली मेहनत actually उसी पे होती है, to build your strategy. एक बार वो बन जाए उसके बाद तो सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम होता है कि यू जस्ट हैव टू कीप एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड्स। ऑलराइट, सो हां जी, दैट इज व्हाट इट इज डूइंग और वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, दिस इज बैंक निफ्टी ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है अपना ऑल टाइम हाई फिर से। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार ये पर्टिकुलर ट्रेड जिसने लो लगाया है 48,900, जिसने लो लगाया है ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का, अब तो वो 77 रुपीज़ आ गया है, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंड कहाँ पे क्लोज होता है। अभी जस्ट इसने लो लगा दिया है ऑलमोस्ट 65 रुपीज़ का। वंस इट इज़ रीचिंग, लाइक एक बार ये, वंस दिस पर्टिकुलर प्रीमियम रीचेस 50 रुपीज़, दिस ट्रेड विल बी क्लोज्ड। ऑलराइट गाइस, सो एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, है ना? क्योंकि अंकु जी जो है, इनका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है 22 EMA पे, और मेरा जो है वो होता है डेली टाइम फ्रेम पे। तो वी आर डिस्कसिंग कि इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस आता है तो कितना आता है, ड्रॉडाउन कितने आते हैं, ट्रेंड चेंज में इनको कितने दिन लगता है, मुझे कितने दिन लगता है, टॉकिंग अबाउट दैट नाउ। ऑलराइट गाइस, इट इज़ ऑलमोस्ट, कितना बज रहा है मैं खुद देख लेता हूँ, पहले 11:42 हो रहा है, 11:45 बेसिकली, और अभी तक भी हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी लिटरली नहीं मिली है। वी हैव बीन सिटिंग आउट एंड वी हैव बीन सिटिंग आउट। अरे मीन वाइल, ये जो हमारे ट्रेडिंग फ्लोर पे लोग ट्रेड कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम, उनके साथ थोड़ा बहुत बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एंड दिस टू गाइज आर लुकिंग इन टू द कैमरा, जैसे कि आज तक कभी ये कैमरा में आए ही नहीं है, ऐसा कभी देखा ही नहीं है इन्होंने। इट इज़ ऑल राइट, सो वी जस्ट गॉट डन विद अवर थिंग फॉर द डे, एंड अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारा जो नया वाला ऑफिस है बन रहा है, वहाँ पर सारा सामान पहुँच रहा है पुराने वाले ऑफिस का, वहाँ से चीज़ें खाली हो रही हैं। ऑफ कोर्स वी हैव टू बी हेयर प्रेजेंट, तो मेरे पापा जी करवा रहे हैं वो सारा काम, बट ऑफ कोर्स आई हैव टू रीच देयर, तो अभी वहाँ निकलते हैं जाकर आते हैं। अस्किंग नहीं, मतलब मुझे इस वीडियो में लिया कि तो मुझे कुछ कहना नहीं। अब बोल दो, क्या बोलूँ? वी हैव बीन वेटिंग फॉर हमारा नया ऑफिस बने, क्योंकि यहाँ पे इट्स वेरी ऑकवर्ड इन द सेंस कि सब है कुछ पर्सनल, जैसे कि बैचेस मिक्स थोड़ी सी हो गई है, तो उसकी वजह से किसी और को कुछ बताना होता है, फिर एवरीवन इज जस्ट गिविंग अटेंशन, तो वो उन लोगों के लिए भी थोड़ा अजीब है और हमारे लिए भी, लेकिन हम यहाँ बैठे क्योंकि कुछ बैचेस का बाइंग चल रहा है, थोड़ा पर्सनल स्पेस नहीं है, आप भी काम कर रहे हैं, मान लो ऐसे बैठे हो, तुम ये खा रहे हो, तो बच्चे देख रहे हैं तुम्हें, एक सौ पेंट चला रहे हो, कितना एम्बैरेसिंग है। It is all right. Definitely.
ऑलराइट गाइस, सो लाइफ हैज टेकन अ लिटरल टर्न। कुछ दिनों पहले हमें ऐसा लगता था कि यार वी आर सेटल्ड, अभी जस्ट हमारा ऑफिस सेटल हुआ है एंड वी आर गुड टू गो फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एटलीस्ट ईयर और टू, वी आर गोना बी एट दिस स्पेस ओनली। बट देन अभी जस्ट नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सेम थिंग्स अगेन, है ना। 15-20 दिन लगा के हमने नया ऑफिस सेटअप किया था, उसको खाली किया, अब यहाँ पर वो गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, फिर से नया ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। और एक ग्रोथ भी होती है, लेकिन देन देर आर थिंग्स लाइक दिस की मेहनत लगेगी, फिर से वो एक दो महीने फिर से आप पैसे इन्वेस्ट करो, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। बट इट इज़ ऑल राइट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, राइट। एंड ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ट्रेड्स वगैरह तो सारे देख ही लेते हो, बट बिहाइंड द ट्रेड्स देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन थ्री स्टॉक्स, वो भी आपका जानना जरूरी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे द चैनल इज अबाउट थ्री स्टॉक्स, राइट। Alright guys, it is almost 3:30 now. We are back to office and look at what market has done now. So this is Bank Nifty on a 5 minutes time frame. Abhi just market ne closing di hai and this is what Bank Nifty looks like. Basically, subah to hum wait kar rahe the ki thoda bahut retracement agar dikhata hai. Pehle to wait kar rahe the ki trade close ho jaye, fir jab second time market wapas upar gaya to wahan par hamara jo trade hai wo close ho gaya tha. Theek hai, uske baad se to we have been waiting for opportunity, lekin ye jo breakout aaya days high ka, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट, इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, ये जो ब्रेकआउट आया अपने डेज हाई का, ये आया ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है। अब एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन अगर मैं 2:30 पे अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, ठीक है, क्योंकि टाइम ही कितना बचा है अब, और अगर ट्रेड प्लान करो तो फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का करो। बट देन आई डिसाइडेड कि यार मेरे को ट्रेड प्लान ही नहीं करना है, आई विल जस्ट सेट आउट एंड वेट एंड वॉच द ट्रेड, ठीक है, वॉच द मार्केट। और अभी मैं बाहर भी गया था। ऑलराइट, सो हाँ जी, दिस इज़ प्रेटी मच इट। जो पोजिशन है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वी हैव डन नथिंग फॉर द एंटायर डे, ठीक है, ना ही कुछ ऑर्डर्स लगाए हैं, ना ही कोई ट्रेड्स लिए हैं, वी हैव बिन सिटिंग आउट ओनली। एंड अंकुज इज हैविंग हर सेशन टुडे, उनका सेशन चल रहा है। एंड हाँ जी, दिस इज़ प्रेटी मच इट फॉर द डे गाइज। आज का जो हमें ट्रेड मिला उसमें ऑफकोर्स 40 rupees का रिस्क था, रिवॉर्ड जो मिला वो ऑलमोस्ट 250 points था, मतलब 1:67 के आसपास का रिवॉर्ड हमको मिल गया। वी बुक डेट अराउंड 60 के आसपास, राइट। तो हाँ जी, ऑफ कोर्स पर्सनली मैंने तो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, बट बाकी जो स्टूडेंट्स वगैरह ने वो ट्रेड लिया था। एंड फ्रॉम टुमारो हमारी यही कोशिश रहेगी कि वी शुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन एनी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल इन मार्केट, एंड दैट्स अ लेसन फॉर यू गाइस एज़ वेल। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो। अच्छा, एक और सिंपल सा अपडेट देना चाहता हूँ, विच इज़ कि कल ऑलमोस्ट 12 या 1 बजे के आसपास आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो लाइव। मेरा 1-1.5 महीना ये जो मैंने ऑप्शन बाइंग की थी उसके ऊपर एग्जैक्टली किया क्या, कहाँ, बेसिकली PNL क्या रहा उसका 50 डेज का, कब से स्टार्ट किया था, कब ख़त्म किया तो क्यों किया, और ओवरऑल पॉजिटिव कैसे हुआ मैं। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू।